सो गाइस इस वीडियो में हम बताए हैं डिस्क ब्रेक में जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है गाइस, साउंड का प्रॉब्लम आता है, तो उसे आप अपने घर में कैसे ठीक कर सकते हैं गाइस, और ये नॉइस का प्रॉब्लम क्यों आता है डिस्क ब्रेक में, इसके रिलेटेड में एक डीएस सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किए थे, उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग का भी बहुत ही ज्यादा काम आएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे बिना स्किप किए आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक चीज बताना चाहेंगे गाइस, आपके पास किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो गाइस जिसमें आपका डिस्क ब्रेक लगा हुआ है साइकिल में, तो बताना चाहेंगे गाइस डिस्क ब्रेक में जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है गाइस, वो आपका जो है ऑयलिंग का वजह से आता है। तो वो किस तरीका से आता है, तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं और साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा डुअल डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है गाइस। तो डिस्क ब्रेक में सबसे पहले हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे आप लोगों को गाइस। जैसे कि गाइस ये डिस्क ब्रेक आप देख पा रहे हैं, एकदम डिस्क हमारा जो एकदम क्लीन है, थोड़ा सा इसमें आपको दागी मिलेगा गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम थोड़ा सा। तो ये जो दागी का प्रॉब्लम है गाइस, ये आपका ऑयल है। तो इसमें हम एक चीज़ आप लोग को सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे गाइस, जब आप लोग न्यू साइकिल लेते हैं तो न्यू साइकिल में देखेंगे कि डिस्क ब्रेक में नॉइस का जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि एकदम क्लियर रहता है, साफ रहता है इसके वजह से। लेकिन गाइस जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है गाइस डिस्क ब्रेक में, वो किस वजह से आता है गाइस, जब हम लोग साइकिल में ऑयलिंग करते हैं, और ऑयलिंग करते समय गाइस जब हम लोग डिस्क में भी ऑयलिंग करते हैं, सब जगह ऑयलिंग करने के बाद, तो इसमें क्या होता है कि डिस्क में जो एक्स्ट्रा सा ऑयल जो चला जाता है गाइस, डिस्क में ऑयलिंग करने का मतलब एकदम बारीकी से और माइनर ऑयलिंग किया जाता है, हद से ज़्यादा अगर आप ऑयल डाल देते हैं डिस्क में, तो वो क्या होता है गाइस, जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं डिस्क में जो है ऑयल चला जाता है, इस जगह में डिस्क का पेड में जब ऑयल चला जाता है गाइस, तो नॉइस का प्रॉब्लम उसी का वजह से आता है, और ब्रेक जो है गाइस आपका सही से वर्क नहीं करता है, सही से काम नहीं करता, ब्रेक भी आपका स्लिप करता है। अगर आपका डिस्क ब्रेक में थोड़ा सा अगर ऑयल चला जाता है, तो उसमें आपका ब्रेक भी वर्क करेगा और सही से काम भी करेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या जाता है गाइस, नॉइस का मात्रा में नॉइस का प्रॉब्लम आएगा, जैसा कि हम आपको वीडियो का फर्स्ट में सुना दिए हैं इस तरीका से। और भारी मात्रा में अगर आपका डिस्क पैड में ऑयल चला जाता है, डिस्क में ऑयल चला जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है, और बहुत ही बेकार टाइप का साउंड आता है, जो कि बहुत ही खराब लगता है सुनने में। ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा, अगर आपका साइकिल में इस तरीका का नॉइस का प्रॉब्लम हो चुका है और ऑयल चला गया है, तो ऑयल को रिमूव किस तरीका से करना है विदाउट मैकेनिक गाइस अपने घर में ही, तो चलिए आप लोग को बताते हैं किस तरीका से करना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एकदम अच्छी तरीका से वीडियो को क्लीनली देखे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एक चीज और बताना चाहेंगे गाइस, अगर आप अपना साइकिल में ऑयलिंग करना चाहते हैं तो ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करने से साइकिल का मेंटेनेंस आपका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और साइकिल राइडिंग क्वालिटी भी आपका अच्छा रहेगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन गाइस बताना चाहेंगे डिस्क में ऑयल बिल्कुल ना करें, इस पर हमें एक वीडियो ले आएंगे गाइस कि डिस्क में कहाँ कहाँ ऑयलिंग किस तरीका से किया जाता है, जो कि आपका प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्या करना है गाइस, इस तरीका से आपको जो सरफ ले लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं कपड़ा धोने वाला सरफ है गाइस, जो कि सभी का घर में होता है, इस तरीका का गाइस आपको एक ब्रश ले लेना है, जो कि रंग पेंट का दुकान में आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे गाइस, अगर आप न्यू साइकिल लिए हैं और डिस्क ब्रेक में नया में ही अगर आपका डिस्क में साउंड का नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है गाइस, इस तरीका से जो आपको व्हील को घुमाना है जैसा कि देख पा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो आपको इसमें पानी डाल देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक को प्रेस करके देखना है इस तरीका से, देखिए इस तरीका से आपको घुमाना है, और इस तरीका से आपको पानी डालना है, ब्रेक को प्रेस करते हुए रखना है इस तरीका से। इसमें क्या होगा गाइस कि डिस्क का जो पेड है गाइस, वो थोड़ा उसमें पानी चला जाएगा, और जो नॉइस का प्रॉब्लम है गाइस, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। डिस्क में अगर ऑयल चला जाता है भारी मात्रा में, तो डिस्क को बढ़िया से आपको साफ़ कर देना है, जगह जितना भी ऑयल रहेगा सबको बढ़िया से साफ कर देना है। तो चलिए बढ़िया से साफ करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से सरफ ले करके बढ़िया से आपको डिस्क को साफ करना है पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो दोनों साइड से आपको कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट डिस्क को साफ कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। वीडियो को स्किप ना करें गाइस, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। डिस्क पैड के पास में गाइस इस तरीके से आपको जो बढ़िया से सरफ लेकर के अंदर की ओर प्रेस करना है, व्हील को घुमाना है इस तरीका से, डिस्क भी साथ में घूमेगा आपका इस तरीका से, बढ़िया से आपको जो फ्रेश कर लेना है, ताकि जितना भी ऑयल वगैरह रहेगा अंदर में वो सब आपका जो है साफ हो जाए। इस तरीका से गाइस दोनों साइड से आपको बढ़िया से डिस्क को साफ कर लेना है, जरा सा भी ऑयल नहीं रहना चाहिए डिस्क में।
उसके बाद गाइस क्या करना है, इस तरीके से कपड़ा ले करके और डिस्क को बढ़िया से एक बार साफ करना है इस तरीके से, देखिए। इस तरीके से डिस्क को बढ़िया से साफ कर देना है। उसके बाद ब्रश लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस तरीके से आपको बढ़िया से साफ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, ब्रेक को प्रेस करते हुए घुमाना है इस तरीके से स्पीड में और पानी डालते हुए ब्रेक को प्रेस करना है इस तरीके से, देखिए। उसके बाद क्या करना है गाइस, जब पानी से आप बढ़िया से डिस्क को वॉश कर दीजिएगा, उसके बाद कपड़ा लेकर के एक बार और फिर से आपको जो है इस तरीका से फ्रेश कर लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा से ऑयल वगैरह रहेगा वो आपको कपड़ा में आ जाएगा और बढ़िया से फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, इस तरीका से फिर एक बार जो है इस तरीका से पानी डाल दे थोड़ा सा, जिस तरीका से देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा गाइस, हमारा जो है डिस्क एकदम बढ़िया से क्लीन हो गया, जितना भी ऑयल वगैरह डिस्क पैड में लगा हुआ था, डिस्क में लगा हुआ था, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब क्या होगा गाइस, साइकिल जब चलाएंगे तो इसमें जो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था गाइस, नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, वो आपका एकदम नहीं आएगा, वो आपका क्लियर हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, फिर से आपको एक बार वॉश कर देना है। जिस तरीके से हम आप लोग को बताएं उसी तरीके से वॉश करना, आपका नॉइस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से बता दिया हूँ कि साइकिल डिस्क ब्रेक का जो नॉइस का प्रॉब्लम है उसे किस तरीके से रिमूव करना है। अगर चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।